सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई विल बी शेयरिंग अ केस. दिस इज केस ऑफ ए गर्ल हु केम टू अस विद अ ब्रोकन टूथ. मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इधर दिखाइए. ये दिस गर्ल केम टू अस विद अ ब्रोकन टूथ. इट हज शी वॉज मतलब अपने हाथों पे मेहंदी लगवा के आई थी वो. अब देखिए, मेहंदी लगवा के अगर कोई डेंटल क्लिनिक में आता है कभी, आई डोंट थिंक सो. कोई इस पूरे ग्रुप में जो हमारा डेंटिस्ट का ग्रुप है, इसमें लोग मेहंदी लगवा के उनके क्लिनिक में कोई आया होगा. तो ये लड़की हमारे पास मेहंदी लगवा के आई थी. हुआ क्या था कि एक दिन पहले उसकी, बिकॉज ये पंजाब को बिलोंग करती थी, एक दिन पहले ही उसने उसकी रोका बोलते हैं हमारे यहाँ पे, शगुन हुआ था. और उस दिन उसकी रिंग सेरेमनी थी. इट वॉज ऑन 1 February 2006. तब उसने हमारे पास 1:27 पे, मतलब 1:27 पे आई थी वो दोपहर को. और हुआ क्या था कि उस दिन वो रिंग सेरेमनी के लिए तैयार होने गई थी सुबह, और ब्यूटी पार्लर पे फेस का फेशियल करवाया, मेहंदी लगवाई हाथों पे, पैरों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ. और मेहंदी लगवाने के बाद उठने लगी तो उसकी चुन्नी थी, चुन्नी पैर में गिरी, लड़की भी गिरी, मेहंदी तो बच गई. हाँ, यस आई नो आप बोल रहे, दान टूट गया. तो जो उसका दान टूट गया तो वो हमारे पास आ गई. ये देखिए, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ. ये उसकी 1329 1:29 की स्लाइड है. ये उसका दान टूटा हुआ, ठीक है. और ये उसका दान टूटा हुआ और ये हमारे पास आई थी, ये 1329. अभी कुछ जो हमारे फीमेल पार्टिसिपेंट्स होंगे वो देख सकते हैं कि ये उसने फेशियल कराया हुआ था, बहुत सुंदर बन के लग रही थी. और ये उसका कुछ दान टूटा हुआ है, राइट. अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उसका दान हमने वो ठीक किया. तो हमने उसका दान ठीक किया ये. और ये उसकी 2:01 की फोटो है, ये उसकी 2:01 की फोटो है. लेकिन ये फोटो जब दिखा उसको, अभी उसकी शक्ल नहीं दिखाई थी. वी हैव नॉट शोन हर फेस टू हर. अब इस फोटो को देखिए तो यू कैन इमेजिन कि एक दांत से कितना फर्क पड़ जाता है. एक दांत से कितना फर्क पड़ जाता है. यहां पे जब ये फोटो आती है तो आमतौर में चुप कर जाता हूं. उसका मेहंदी दिखाने का स्टाइल देखिए, उसके दांतों की चमक देखिए, उसकी आंखों की ब्राइटनेस देखिए, उसकी आंखों में नशा देखिए, उसकी आंखों में खुमार देखिए, उसकी आंखों में ब्यूटी देखिए. इस और इस फोटो में कितना फर्क है. एंड जस्ट इमेजिन, दिस इज 1327, दिस इज 1402. सिर्फ आधा घंटा, जस्ट 30 मिनट्स, और हमारा पेशेंट कितना खुश है. दिस इज द पावर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी एंड रिमेंबर अबाउट इट. एंड ये उसकी फाइनल फोटो है. एंड आई रियली एप्रिशिएट कि ये जो फोटो है, इसको देखा कि आप पेशेंट को कितना बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर सकते हो. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर प्रणव वागले, जिन्होंने हमें स्टोरी के बारे में बताया. लेकिन आई एम थैंक गॉड कि हम लोग ये स्टोरी पिछले 14 सालों से दिखा रहे हैं. ये दिस इज द पावर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. थैंक यू वेरी मच.